मांझी तेरी कश्ती के तबलदार बहुत हैं, इस पार और उस पार बहुत हैं, जहां खोली है तुमने शीशे की दुकान वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको जयपुर की उन हस्तियों से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने तख्ता पलट दिया। कैसर तख्ता कैसे अभी पढ़वाएंगे आपको और फिर पता लगेगा तख्ता क्या होता है। आज तक आप जो पढ़े हो और अब पढ़ोगे फिर उसमें अंतर करना कि वास्तव में लगेगा आपको कि नहीं सर अजूबे तो यहाँ घूम रहे थे, हम कहाँ थे अभी इतने समय तक। तो आज हमारे सामने खड़े हैं अपने मनोज राव सर, अपने मैथ के सर हैं जिनका ऐप भी है MRS नाम से ना सर, बिल्कुल, और अपनी पाठशाला के मुख्य स्तंभ, इनको कैसे भूल सकते हो आप, मनदीप सर। तो हमारे साथ ये भी मौजूद है और एक हस्ती से और मिलाऊंगा अभी थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उनका आज जन्मदिवस है। इससे मैं तो बहुत अपने आप को खुश मानता हूँ कि सूरतगढ़ था और कहाँ जयपुर आया और जन्मदिन बनाया सर के साथ, बहुत खुश लगा। तो सर से कहना चाहूँगा सर इनको दो शब्द कहिए। हेलो सभी दोस्तों को राम राम भाई। आज हमारे गुरुजी हैं जयपुर में, जीके पढ़ाते हैं राजस्थान जीके, DP शर्मा सर, उनका आज जन्मदिन है। हम उन जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग इकट्ठे हुए तो पहले सर को मैं एक बार दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपसे मिलवा भी देता हूँ सर, एक बार आप आइएगा। तो गुरुदेव यहाँ आप DP सर हैं हमारे, ये राजस्थान जीके कवर करते हैं जयपुर से और इनके सब्सक्राइबर भी बहुत तगड़े हैं, 2,00,000 सब्सक्राइबर हैं। चैनल का नाम है DP शर्मा सर। तो दोस्तों आप चैनल से जुड़ भी सकते हो, इस पावन अवसर पर आपको कुछ बातें भी सर डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप अपने तैयारी के अवसर को कैसे बढ़ा सकते हो और अपनी नौकरी को आप कैसे ग्रहण कर सकते हो, उसके बारे में भी आपके सामने कुछ 2-3 बातें सर जरूर बताएंगे, तो एक बार आप सभी सुनिएगा। सबसे पहले तो अजय सर का और मनोज जी सर का और मनदीप सर का बहुत बहुत आभार, इन्होंने इतना बड़ा सरप्राइज दिया और एक्साइटेड था कि मुझे विश्वास भी था कि आज कुछ तो अजीब होने वाला है, लेकिन सर ने जो सरप्राइज दिया वो बड़ा ही आश्चर्यचकित सरप्राइज था। अचानक से सरप्राइज दिया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि जरूरत पूरी करने के लिए तो अक्सर हर कोई मिलता रहता है, लेकिन इस प्रकार से प्रेम बांटने के लिए जो दिल के बिल्कुल करीब होता है वही मिलता है। खैर ये तो खैर हमारा आपसी मामला था, मनोज जी का, अजय सर का, मनदीप का हमारा प्यार था, इन्होंने इस तरह से मेरे जन्मदिन को और थोड़ा अच्छा बनाया, तो इनका बहुत बहुत आभार अगेन और इतनी अच्छी मुझे बधाइयां दी, तो इनको उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं और कामनाएं। आप सबको दो बातें बता देना चाहूंगा कि कॉम्पिटिशन का दौर है, बढ़ता हुआ दौर है, इश्क कर लीजिए किताबों से, इश्क कर लीजिए किताबों से, एक यही है जो आज अपनी बात से मुकरती नहीं है, बदलती नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बदल जाता है, हर कोई बदल जाती है, तो इसलिए कहने वाले ने सही बात कही है कि इश्क कर लीजिए बेहिता किताबों से, आज यही है जो अपनी बात से न तो बदलती है नहीं मुकरती है। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप किताबों पर फोकस कीजिए, अच्छे अच्छे जिंदगी में लोगों को चुनिए, आप अच्छे टीचर्स को चुनिए जो आपको अपने मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर लेके चलेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि दुनिया में हमें बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, हर 100 आदमी में से आपको एक आदमी ऐसा मिलेगा जो वास्तव में ही आपके लिए पॉजिटिव सोचकर आपको अपनी सफलता तक साथ देते हैं। तो जिंदगी में अभी आपको सिर्फ अच्छे टीचरों को चुनना जरूरी है, ढूंढने से कहते हैं कि हर कुछ मिल जाता है, तो अच्छे से टीचरों को चुनिए। अजय जी है युवा टीचर हैं तो भी बड़े संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा मेहनत भी करते हैं, मैंने भी इनकी क्लासेस देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टीचर मेहनती है, तो आप इन्हें फॉलो कीजिए और लाइक भी किया करो और खूब शेयर किया करो, क्योंकि इन ऐसे बढ़ते हुए टीचरों को हम सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी कहते हैं ना कि हमारा भारत का विकास होगा, तो यही एक प्रकार से सेवा होती है जिसके अंदर हमारा ना तो कोई टैक्स लगता है ना ही हमारा कोई चार्ज लगता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगेन आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। कि एक बात बताऊं सर के साथ मैं मिला तो फर्स्ट टाइम हूं, लेकिन बैठा सर के साथ बात सुनी तो पता लगा बिल्कुल पूरे देश से जुड़े हुए हैं, राजस्थानी नहीं पूरे देश से जुड़े हुए हैं मेरे को ऐसी ऐसी, क्योंकि देखो कोई टीचर उभरता है नया तो खींचने वाले भी बहुत आते हैं, लेकिन सर ने मेरे को ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया बातें बताई कि सर आप आगे भविष्य में इस तरह से करने वाले हो, ये कर सकते हो, तो हौसला भी मिलता है। देखो ऐसे व्यक्ति, ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो मनोबल भी बढ़ता है। घर सामने बुलाऊं मनदीप सर ने, तो मनदीप जी भी, और मनदीप जी ने शायरी इतनी प्यारी बोला कि मैं तो बहुत
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो एक छोटी सी कोशिश की है आप लोगों के लिए एक अच्छी टीम लेके आने की। हर जगह देखा है मैंने, आ जाते हैं टीचर, पढ़ा देते हैं, सब पढ़ाते अच्छा ही है। एक आप लोगों के लिए संगठित एक अच्छा एक टीम, अच्छी टीम वर्क होगा तो ही आप लोग आगे बढ़ पाए। तो मेरी एक कोशिश है कि देश के हर हिस्से से मैं एक अच्छे अच्छे टीचर उठा के लूँ आप लोगों के लिए। तो ये एक छोटी सी कोशिश की है। डीपी शर्मा जी हैं, अजय सर हैं, मनोज सर हैं और मैं खुद प्रोजेक्ट संभालता हूँ। तो आप लोगों से भी आगे हम जुड़ेंगे जैसे ही कोचिंग खुलेगी बीकानेर में, अपनी पाठशाला हम अपने बेस्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग सब आइए, आमंत्रित हो। और पूरे संघर्ष के साथ, वो कहते हैं सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के सर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मंजिल पाने के लिए आया नहीं है सर, एक शायरी हो जाए। हाँ, एक शायरी बिल्कुल, हाफिज साहब की लिखी कोई लाइनें सुनाता हूँ आपको। सुना है वो आंखें अब किसी और को रो रही हैं, मेरे झरनों से अब कोई और पानी भर रहा है। बड़ा मजबूर होकर तेरी आंखों से निकला हूं मैं, अपनी खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लग रहा है तेरा दिल कर रहा है। शायरी का सिलसिला तो चलता रहेगा। जी जी जी। तो अब हम जल्दी अपने मिलेंगे और क्लासेस चलती रहेंगी कंटिन्यू, बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।